आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रशिक्षण बताने जा रहे हैं। प्रशिक्षण को इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं। आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं जो बता रहा हूं तैयार कर लेंगे। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान में, कर्मचारी के कौशल में वृद्धि करना प्रशिक्षण कहलाता है। कोई काम करना है तो उसकी ट्रेनिंग पहले दे दी जाए। ट्रेन चलाना है तो ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। मशीन चलाना है, मशीन चलाने की पहले ट्रेनिंग दी जाए, मतलब सिखा दिया जाए, उसको ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि कर दी जाए, उसे कहा जाता है ट्रेनिंग प्रशिक्षण। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जैसे आपको एक शब्द में लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु, जिनके द्वारा विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु, कार्यों के संपादन हेतु, कार्यों के संपादन हेतु, संपादन का मतलब कार्यों को निपटाना, कार्यों को करने के लिए, ठीक है, कर्मचारी की अभिवृत्तियों की त्यों निपुणताओं एवं योग्यताओं में योग्यताओं में अभिवृद्धि करना प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट कोई भी काम करना हो तो अच्छे ढंग से करें, उनको सिखा दिया जाए, उनके ज्ञान में वृद्धि कर दी जाए कर्मचारियों के, उसे ही प्रशिक्षण कहा जाता है ना। ज्ञान में वृद्धि, कौशल में वृद्धि, इससे क्या होता है? इससे संस्था एवं कर्मचारी दोनों को लाभ पहुंचता है। संस्था को भी लाभ पहुंचता है और कर्मचारी को भी लाभ पहुंचता है। ठीक है, दोनों को लाभ पहुंचता है। एक है उद्देश्य क्या होते हैं भाई? इसका उद्देश्य, उद्देश्य में आपको सबसे पहले लिखना है लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए, जो लक्ष्य दिया गया है उसको प्राप्त के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि करना।
लक्ष्यों के प्राप्त के लिए कर्मचारियों के ज्ञान में एवं कुशलता में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कर्मचारियों के लिए वातावरण अनुकूल बनाना। कर्मचारियों के लिए जो वातावरण बनाया जाएगा, कर्मचारियों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनके अनुकूल वातावरण उसमें ढाला जाता है। कुछ दिन उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें कुछ दिन ढल जाते हैं, काम अच्छा करेंगे। उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादकता में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। ठीक है, श्रम शक्ति से अच्छे संबंध स्थापित करना, श्रम शक्ति संबंधित, ठीक है, संबंध स्थापित किया जाता है। उसके बाद कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों से मुक्त कराना, कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों से मुक्त करना होता है, वो लक्ष्यों से अवगत कराना होता है। नंबर 6 है उपक्रम के प्रति कर्मचारियों में आस्था पैदा करना, मतलब आस्था लगन पैदा की जाती है। उसके बाद न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, न्यूनतम लागत से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मनोबल में वृद्धि करना, दुर्घटनाओं को कम करना। भाई ट्रेनिंग दे रहेंगे, दुर्घटना कम की जाती है। आप ध्यान देंगे प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है विशिष्ट कार्यों के लिए संपादन, मतलब कार्यों को अच्छे ढंग से करना संपादन कहलाता है। कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि, निपुणता में वृद्धि, योग्यता में वृद्धि करना, कुशलता में वृद्धि करना प्रशिक्षण कहलाता है। इससे कर्मचारी और संस्था दोनों को लाभ होता है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, लक्ष्यों को प्राप्त करो। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान देना पड़ेगा, कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी, कर्मचारियों के कुशलता में वृद्धि करनी पड़ेगी, कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा, उत्पादकता में वृद्धि करनी होती है, श्रम शक्ति से अच्छे संबंध स्थापित करवा दो, कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्य क्या हैं उससे अवगत करा दो, भूमिका से अवगत करा दो, उपक्रम के प्रति आस्था पैदा करो कि बहुत अच्छा काम है सिखाया जाता है इसमें, न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन किया जाता है, मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रोडक्शन, मनोबल बढ़ जाता है इससे और दुर्घटना भी कम हो जाती है। ये सारे टॉपिक हैं, इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है, और प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, विधि क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको आगे बताने का कार्य करेंगे।